बैतूल एमपी में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सैलानी में होली पंचमी के अवसर पर बहुत बड़े पैमाने में उर्स भरता है और नारियलों की होली जलाई जाती है, जिसमें सैकड़ों बोरे नारियल इकट्ठे होते हैं। लोगों का मानना है कि कोई भी परेशानी अगर हो तो शरीर पर से या मकान पर से नारियल नींबू उतार कर ले जाएँ। आसे बला भूत प्रेत हर परेशानी से छुटकारा पाने के लिए सैलानी ले जाकर होली में डालो तो हर परेशानी दूर होती है। इसी तरह से हर वर्ष हर जिले के लोग सैलानी पहुँचते हैं और यह रस्म को निभाते हैं। इसी तरह से जो भी सैलानी सरकार को चाहने वाले हैं, जो वहां नहीं जा पाते हैं, वह अपने एरिया में ही उनके नाम से नारियल नींबू की होली जलाते हैं। बताया जाता है कि उससे हर परेशानी दूर होती है। इसी तरह से लोग जगह जगह सैलानी बाबा के नाम से लंगर एवं भंडारा करते हैं। बैतूल में भी आज़ाद वार्ड सैलानी बाबा चौक पर बड़े धूमधाम से शानो शौकत के साथ लंगर एवं भंडारा किया गया, जो हर वर्ष किया जाता है। इस कार्यक्रम में सभी धर्म के लोग प्रसादी का लाभ लेते हैं। आज़ाद वार्ड सैलानी बाबा दरबार खादिम सलीम बाबा, पीयूष खंडेलवाल, नावेद भाई, मक्कू भाई, जिन्नू भाई, इरशाद बाबा, नदीम भाई, कलीम भाई आदि शामिल रहे। और यहाँ के जो खादिम है उनका नाम सलीम खान है। मतलब ये सैलानी बाबा के खादिम है जी, सवारी वारी भी यहाँ पे उठती है। जी 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 साहब। ये हम लोग हर साल यहाँ पर सैलानी बाबा के उरस के दिन हम लोग यहाँ पे लंगर करवाते हैं, जो हम 5 कुंटल का लंगर करवा करके सब में तस्लीम करवाते हैं। ये क्या हर साल लंगर यहाँ पे होता जी? है? जी हर साल मनाया जाता है। हर साल लंगर मनाया जी। और लंगर में क्या बनाते हैं? लंगर में हम लोग बटना पुलाव बनवाते हैं, जिस समय जैसा हो जाता है वैसा बनवाते हैं। ये लंगर में तो सभी धर्म के लोग? जी जी सभी धर्म के लोग आते हैं, सभी धर्म के लोग सम्मिलित होते हैं इसमें। और सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं? जी 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 सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और ये इसी त्योहार कर रहा हो कि हमेशा करते रहो? नहीं, हम हर साल करते रहेंगे। देखने में ये आया है कि हमेशा यहाँ पे सैलानी बाबा का कार्यक्रम होता है। जी जी जी। और कवाली भी होती है जी। तो ये एरिया का नाम भी मेरे ख्याल से सैलानी बाबा चौक होना चाहिए, आप लोग की क्या राय है? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।